अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे। तो जी आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको मज़ेदार सा चिकन लज़ानिया। तो इसके आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। बोनलेस चिकन, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, ये ली है मैंने लज़ानिया शीट्स, सोया सॉस, चिली सॉस। तो चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ये चिकन को मैरिनेट। ये चिकन ले लें आप। इसमें डालेंगे हम नमक, मिर्च और ये थोड़ा सा मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया। थोड़ी सी ये चिली सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस। अब आप ये इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दें और जितनी देर में चिकन मैरिनेट होगी हम अपनी लज़ानिया शीट्स को बॉईल कर लेंगे। ये इस तरह से, ये आपने कोशिश करनी है कि ये इसी तरह लंबी है, ये टूटे ना। तो अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया और अब हम ये पैन में हल्का सा ऑयल डाल के चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन को अब आप अच्छी तरह फ्राई कर लें। ये चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये वेजिटेबल्स, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस। अब इसको हल्का सा फ्राई कर दें। ये देखें जी ये शीट्स हमने बॉईल कर ली हैं। ये देखें ये इसी तरह पूरी लंबी। तो अब हम सब्जी भी हमारी फ्राई हो गई है, चिकन और सब्जी। अब हम लेयर्स लगाते हैं। ये अब आप एक फ्लैट से डिश ले लें, उसमें अब हम ये शीट्स को इस तरह बिछाएंगे।
ये शीट्स क्लियर हो गई। अब ये शीट्स के ऊपर आप डालें ये केचप, इस तरह स्प्रेड कर लें उसको। और चिकन और ये है चेडर चीज। थोड़ी सी ऊपर डालें आप ये काली मिर्च। अब फिर जी हम बिछाएंगे ये अपनी शीट्स। ये अगर थोड़ी सी लंबी हो तो आप इनको थोड़ा सा फोल्ड कर लें। शीट्स ऊपर इसके केचप फिर चिकन के लिए। और ये ऊपर चीज। इस तरह आप सारी लेयर्स लगा लें। ये सारी लेयर्स लग गई हैं। अब हम ऊपर से फाइनल चीज डालकर ये लिए हैं मैंने ऑलिव्स। इससे आप इस तरीके से और अब आप इसको 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक होने के लिए रखते हैं। ये अब आप इसको 5 मिनट के लिए, इसमें कोई गैस अवन की जरूरत नहीं है, आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मजेदार सा चिकन लसानिया तैयार है।
दीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।